तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द FMCG जाइंट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एस्पेक्ट को देखते हुए फंडामेंटल्स की बात करेंगे और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का स्वैट एनालाइज करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 80 सालों से इंडिया की बिगेस्ट FMCG कंपनी है। एक्चुअली इसका इंडिया में पहला प्रोडक्ट एक साबुन था जो 1888 में सनलाइट सोप के नाम से लॉन्च हुआ था। 1931 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इंडिया में अपना सब्सिडरी सेटअप किया और 1956 में अपने सभी सब्सिडरीज को ऑर्गेनाइज करके हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को फॉर्म किया। 2007 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कर दिया गया। 2013 में इसके पेरेंट कंपनी यूनिलीवर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में अपनी स्टेक 67% तक इंक्रीज कर लिया। 2018 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने $50 बिलियन के मार्केट कैपिटल को क्रॉस कर लिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के 3 प्राइमरी डिवीज़न है, होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट। हिंदुस्तान यूनिलीवर की पूरी इंडिया में पहुंच है और ऐसा पाया गया है कि इंडिया में 10 में से 9 घरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर के किसी न किसी प्रोडक्ट का यूज होता है। करेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास स्किन क्लींजिंग, टी, डिओड्रेंट, सोप, डिटर्जेंट जैसे 44 डिफरेंट कैटेगरीज में सर्फ एक्सल, रिन, वैसलीन, क्लिनिक प्लस, विल और पेप्सोडेंट जैसे 14 ब्रांड्स हैं। 1 अप्रैल 2020 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बूस्ट और हॉर्लिक्स जैसे लीडिंग ब्रांड्स को भी अक्वायर कर लिया। कंपनी के पास 31 फैक्ट्रीज में 21,000 से अधिक एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। इसके 1150 से अधिक सप्लायर्स हैं और इसके प्रोडक्ट्स 80 लाख से अधिक आउटलेट्स में अवेलेबल हैं। FMCG सेक्टर इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है जो 2017 में $840 बिलियन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2020 तक $1.1 ट्रिलियन हो गया और हर साल 10% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इंडिया में FMCG की 50% सेल में पर्सनल केयर और होम केयर डोमिनेट्स करता है। तेजी से अर्बनाइजेशन, खर्च करने योग्य इनकम में वृद्धि और बेटर लाइफस्टाइल FMCG सेक्टर के ग्रोथ के प्रमुख कारण है। FMCG सेक्टर के सेल्स का 55% अर्बन सेगमेंट से आता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अर्बन सेक्टर के कंपैरिजन में रूरल सेक्टर में फास्टर ग्रोथ देखा गया है। बेहतर कृषि उत्पादन के कारण फाइनेंशियल ईयर 2020 के तीसरे क्वार्टर में इंडिया के रूरल सेगमेंट के FMCG सेक्टर में 10.6% की ग्रोथ हुई है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 के एंड तक रूरल FMCG मार्केट बढ़कर $2020 बिलियन हो जाएगा और इसके साथ ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के मार्केट शेयर में तेजी से गिरावट की उम्मीद है। स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी और एक बड़ी विरासत है क्योंकि यह डिफरेंट टाइप के फेमस ब्रांड्स और प्रोडक्ट के साथ एक बहुत ओल्ड और वेल रूटेड कंपनी है। इस कंपनी की प्रेजेंस पूरे इंडिया में 80 लाख से अधिक रिटेल शॉप में है जहां इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वीकनेस, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बहुत ही कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में चलता है और यहां कई हाईली इस्टेब्लिश और राइजिंग कंपनीज हैं जो थोड़े से ही प्रोडक्ट्स पर फोकस्ड हैं और इस कंपनी के मार्केट शेयर को खा रही हैं। इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पोर्टफोलियो में कोई भी आयुर्वेदिक या नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है जो कंपनी का नेगेटिव एस्पेक्ट है क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट हर्बल प्रोडक्ट्स में बढ़ रहा है और कई कंपनियां हर्बल प्रोडक्ट्स पर फोकस करके इस ट्रेंड का अच्छा यूज कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पतंजलि। अपॉर्चुनिटीज, बढ़ती इनकम, एजुकेशन और यूथ पॉपुलेशन के साथ शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में FMCG सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी इसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकती है क्योंकि इसके पास पहले से ही एक ब्रांड वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक लंबी चेन है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपना हेल्थी कैश रिजर्व, ब्रांड इमेज और पोजीशन का उपयोग करके विभिन्न प्रोडक्ट्स को अक्वायर कर सकती है। थ्रेट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक हाईली कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट में चलता है जिसमें गवर्नमेंट द्वारा 100% FDI अलाउड है और भारत में कई नई मल्टीनेशनल कंपनियां अपना पैर जमा रही हैं जिससे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को अपने कंपटीशन से हाई थ्रेट को फेस करना पड़ता है।
कंपनी रॉ मटेरियल की प्राइस पर हाईली डिपेंडेंट है। इन्फ्लेशन से कंपनी का मार्जिन कम हो सकता है क्योंकि यह एक हाई वॉल्यूम लो मार्जिन सेक्टर में चलती है। लोगों के ऑर्गेनिक और हेल्थी प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होने से कुछ अनऑर्गेनाइज्ड और छोटी कंपनियां को अपनी मार्केट शेयर इंक्रीज करने में हेल्प हुई है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के लिए थ्रेट हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की केस स्टडी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और फंडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।